तो आज शेखपुरा मौजूद है और सिर्फ और सिर्फ एक जानवर का यूरिन का मसला है। सफीर भाई जरा जरा की जगह शेखपुरा मौजूद है, शेखपुरा रोड पे ये ना जानवर के अंदर से पत्थरी निकली है, ये जरा चेक करें। ठीक है सफीर भाई, कहाँ से हम आए हैं? गुजरा माला से। स्पेशल किस काम के लिए आए हैं? ऑपरेशन के लिए। सिर्फ और सिर्फ जानवर के प्रेड के लिए कि जानवर का यूरिन बहाल होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये हमने पत्थरी निकाली है, आगे मजीद इंशाल्लाह ताला ये हमारे हाथ में ब्लेड है, ब्लेड वगैरह निकला है, पत्थरी है। पत्थरी किस वजह से होती है कि जानवर जब मट्टी वगैरह खाता है खाने के बाद, तो फिर ये मसले मसाइल है जानवर को बन जाते हैं। इंशाल्लाह ताला ये मजीद बेहतर हो जाएगा। आगे मजीद ट्रीटमेंट इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि यूट्यूब स्ट्राइक भेज देता जिसकी वजह से ये मसला आता है। ये जरा बताइएगा सफीर भाई, कितने अरसे से इसका यूरिन बंद है? चार पाँच दिन से फुल तकलीफ में है जानवर। तो वकास भाई ने मैं कॉल की थी सफीर भाई ने कि हमने इसको ज़िबा कर देने, कितनी बात है। मैंने कहा ज़िबा नहीं करना, मैं गुजरा वाला से इंशाल्लाह शेखपुरा आऊँगा, आके जानवर इंशाल्लाह ताला ठीक हो। अस्सलामु अलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, तबीयत से ठीक है। मैं हूं आपका जाना पहचाना नाम आगा सदाम अब्बास और आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं गुजरांवाला बकरा मंडी। आज दोस्तों कुदरत का आपको अनमोल करिश्मा दिखाते हैं। बड़े दोस्तों ने वो बात सुनी हुई है कि जी मझ जी काली होंगी है, अज अलहमदुल्ला जी आपको अंग्रेज़ ये देखे, अंग्रेज़ आपको ये दिखाते हैं माशाल्लाह जी, ये वाइट कटा पैदा हुआ। और ये सफीर साहब है जो इनके माशाल्लाह ताला जी ऑनर हैं, उनका नाम है जी वकास खालस साहब। भाई ये पकड़ के लेके आ, ये जी दोस्तों चेक करें, ये ब्लैक है। इसकी सफीर भाई एज कितनी है? तकरीबन 5 दिन। 5 दिन इसकी, और इसकी 10 दिन। ये 10 दिन, ये देखे जी कुदरत का अनमोल करिश्मा, ये देखे आइज भी वाइट, पिंक नोज माशाल्लाह ताला। अच्छा जी सफीर भाई ये ज़रा बताइएगा कि ये कितने सालों बाद ही आपके ये पैदा हुआ है? ये पहली दफ़ा। पहली दफ़ा, कितने साल हो गए आपने भैंसे रखी हुई? ये तकरीबन हो गए 8 साल। 8 साल। हमारे गुजरांवाला में भी एक अल्हम्दुलिल्लाह जी ये करिश्मा अल्लाह ताला की ज़ात ने पैदा किया, वो देखी आपने वीडियो? तो अब देखे जी मैं ये शो कैप्चर करने के लिए आया, ये अल्लाह ताला की शान देखें, ब्लैक और वाइट, ये बिल्कुल सफ़ेद। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये तैयार हो गई है तब पता। इसकी माँ का कलर कैसा सफीर भाई? वो बुरी है, ब्राउन कलर की है, और इसका बाप भी ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का। उन दोनों के क्रॉस में से माशाल्लाह ताला वाइट अल्लाह ताला की करिश्मात देखें। और इसके ज्वाइंट आपको ये मैं दिखाता हूँ, ये ज्वाइंट इसके देखें ज़रा कि कितने चौड़े हैं माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें कमर का पुट्ठा, ये देखें इसकी माँ के नीचे। सफीर भाई दूध कितना है? तकरीबन 2 टाइम का 10 किलो दूध है। 10 किलो दूध, ये पीर है? पीर है माशाल्लाह जी, ये देखें दोस्तों ये दूध पीर है। और ये देखें माशाल्लाह इसकी खूबसूरती, और इसके पुट्ठा छुट्ठा ये भी देखें, ये भी चेक करें अल्लाह ताला की ज़ात की माशाल्लाह ताला तहलीक। दोस्तों ये मुझे तो दिल को भाया है माशाल्लाह जी, खूबसूरत अल्लाह ताला की ज़ात ने चीज़ ये देखे जी पैदा की है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इसकी माशाल्लाह माँ भी दिखाते हैं, माँ उस तरफ है, इस तरफ है माँ, इसकी माँ भी दिखाते हैं, इसका बाप भी अल्हम्दुलिल्लाह जी ये दिखाते हैं। ये अल्लाह ताला की दोस्तों कुदरत है, वो अपना आप बताता है कि मैं हर चीज़ पे कादर हूँ। क्यों जी सफीर भाई? वो बताता है अल्लाह ताला की ज़ात कि मैं हर चीज़ पे कादर हूँ। ये देखिए जी ये अनमोल करिश्मे, आज तक पाकिस्तान के किसी भी यूट्यूबर ने ये शौक़ नहीं दिखाया होगा कि आज स्पेशली मैं शेखपुरा ये शो कैप्चर करने के लिए भाई का अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ, आगे इसकी माँ भी दिखाता हूँ, बाप भी दिखाता हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। ये ले जी दोस्तों ये इसकी माँ है माशाल्लाह ताला, बिग जाइंट साइज़ की है माशाल्लाह, नोज़ देखे माँ की पिंक है और ब्राउन है, और ये देखे माँ के नीचे ये दूध ढूँढ रहा है माशाल्लाह जी माशाल्लाह ताला, ये देखे सफ़ेद अल्लाह ताला की तहलीक जी दोस्तों चेक करें माशाल्लाह, बिग फ्रेम की ये भैंस है, छोटी भैंस नहीं है बहुत बड़ी माशाल्लाह ताला जी ये भैंस है। ठीक है उस तरफ इनका मेल भी है, वो भी इंशाल्लाह ताला जी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए माँ का दूध पी रही है
तो दोस्तों वही बात आ जाती है कि हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को जुठलाएंगे, तो ये सारी नेमतें हमारे पास आज मौजूद हैं।